ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। मैं सीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि योजना के विगत विवरणों को प्रस्तुत करते हुए मीटिंग में कार्य योजना के बेसिक ग्राउंड में ये विषय नहीं रखा गया है और जो नहीं उसके विषय पर है उसको सामने नहीं रखा गया। पीने का आवेदन क्या है? चलो जाओ कर लो, आओ 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 बस आ जाओ। जब आप कर रहे हो और जिला पंचायत को आज तक एक थोड़ी जिला योजना से नहीं मिलती उसके लिए पीडब्ल्यूडी गन्ना सभी विभाग आपके प्रस्ताव ले लिया कुछ नहीं मिलता विधायक। ये तो अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप अध्यक्ष जी बैठे नहीं अध्यक्ष जी की अगर इच्छा है तो ये जब नहीं होंगे तो क्या मैं उपस्थित समस्त दलों को माननीय मंत्री जी करेंगे आप जा सकते हैं, नगर में आप जा सकते हैं। चलो 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 साहब ये कह रहे जाइए आप, जरूरत नहीं है। सांसद जी तो कह रहे हैं क्या बात है? चलो सांसद जी ये मेरी बात सुनो, मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हुआ इसलिए उस पर कुछ भी टिप्पणी कर पाना मेरे लिए मुश्किल, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। अरे ठीक है, उनका उनकी कहने की ये मंशा नहीं होगी, शायद कहीं ना कहीं आप लोग बुरा मान ना 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 वो हमारे आप सम्मानित हो हमारे लिए, आप पहले पहली बार आए हैं। जिला पंचायत का मुद्दा विस्तार किया है, जिला पंचायत के जितने भी 11:30 बजे 11:30 बजे आज जिला योजना की बैठक हुई है सहारनपुर जनपद की, वर्ष 2019-20 के लिए 410 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जो लगभग 10% से भी अधिक है। और इस योजना के भीतर कृषि के को प्राथमिकता देते हुए 18,07,71,000 कृषि पशुपालन गन्ना दुग्ध उत्पादन और सहकारिता के ऊपर जो है वो धनराशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसी तरीके से समाज कल्याण सेक्टर के भीतर, सामाजिक क्षेत्र के भीतर सेवा के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, पेंशन आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 84,40,82,000 रुपये की धनराशि व्यवस्थित की गई है, जो कुल परिव्यय का 22.87% है। इसी तरीके से सड़कों के निर्माण के लिए 122,12,00,000 रुपये की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के भीतर जो आवश्यक सड़कें होंगी उनका निर्माण किया जाएगा और उसके का भी परिव्यय जो है 31.9% है। सिंचाई के लिए भी प्राथमिकता से कुछ योजनाओं पर धनराशि की घोषणा की गई है। शिक्षा सेक्टर के भीतर 51,33,02,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सेक्टर में 14,17,00,000 रुपये की व्यवस्था की गई है और ग्राम्य विकास में प्रधानमंत्री आवास और विभिन्न कार्यों के लिए 37,52,93,000 रुपये की प्राथमिकता के आधार पर धनराशि निश्चित की गई है। तो उसके माध्यम से यह कोशिश होगी कि जो सहारनपुर जनपद है उसका समन्वित विकास किया जा सके, उस दृष्टि से इस बात की व्यवस्था की। मंत्री आज अभिनंदन जो है वो देश लौट रहे हैं, इसके बारे में क्या? ये अभिनंदन ने शौर्य का प्रदर्शन किया, अपने देश के भीतर उसकी वापसी हो रही है
और सारे देश की नज़र उधर लगी हुई है। सबके को इसके वादे में लेकर के प्रसन्नता है कि सब भारत को लौट रहे हैं और भारत सरकार की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति है और विदेश नीति है, ये उसकी सफलता है। इतना जल्दी उसकी वापसी, उनकी वापसी जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे सर? क्या पाकिस्तान डरा है या क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान आज दबाव के भीतर है। उन्होंने जो है वहाँ पर जो आतंकवाद को संरक्षण दे रखा था और आज दुनिया के भीतर वो एक्सपोज हुए हैं, उनके लिए सारी दुनिया में कहीं पर भी उनको सहानुभूति नहीं मिल रही है। तो एक तरीके से भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों सफलता सामने है। सर, देवबंद से भी वो आतंकवादी मिले हैं, इसके बारे में क्या कहें? क्या अब ये तो जो आतंकवादी हैं ये हम ये है RJ मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी। खबर, तहकीकात, हकीकत।